Hi coders, welcome back in playlist C programming fundamentals on my YouTube channel CodeInform. इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे, कैसे हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं अपनी C programming language में। फाइल हैंडलिंग बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी डिस्क से फाइल को राइट, रीड और अपेंड करने के लिए, ताकि हम अपनी फाइल में से इंपॉर्टेंट डाटा को उठा सकें, उसको प्रोसेस कर सकें अपनी C लैंग्वेज में, उसको यूज कर सकें और जरूरत पड़ने पे उसे चेंज भी कर सकें। तो इसलिए हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग एक लॉन्ग टॉपिक है, इसीलिए हम इसे दो या फिर तीन वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी फाइल को बनाते हैं और जो सिंटेक्स है अपनी फाइल हैंडलिंग का वो कैसा है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना फाइल हैंडलिंग का सिंटेक्स। तो जो फाइल है वो एक डेटा टाइप है जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में स्टोर्ड होता है। इसको हम यूज करते हैं अपनी फाइल को स्ट्रीम करने के लिए, जो कि बिटवीन सीक्वेंस में होती है, जिसको हम रीड और राइट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफ ओपन फंक्शन, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो एफ ओपन फंक्शन जो हमारा है वो एक पॉइंटर टाइप रिटर्न करता है, जिसको हम स्टोर करते हैं अपने पॉइंटर वेरिएबल में, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। इसी पॉइंटर को हम आगे यूज करेंगे वेरियस ऑपरेशंस के लिए, लाइक क्लोज द फाइल, ओपन फाइल, इस सब ऑपरेशंस के लिए हम अपने उसी पॉइंटर को यूज करेंगे। इसके बाद है हमारा फाइल नेम। तो फाइल नेम आप कोई भी दे सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक पाथ भी दे सकते हैं। अगर आपने अपना जो टेक्स्ट फाइल है उसको कहीं और स्टोर करना है, या फिर आपने जो फाइल है वो कहीं और से उठानी है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक पाथ भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सीधा नेम दे सकते हैं। अगर आप सीधा नेम देते हैं तो जो आपकी फाइल है वो अपनी जो रूट डायरेक्टरी है उसी के अंदर स्टोर होगा, जहां पे आपकी बाकी की सी फाइल स्टोर होती हैं, वहीं पे आपका जो फाइल है टेक्स्ट फाइल वो बनेगा। उसके बाद हम यूज करते हैं मोड। हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है एफ ओपन फंक्शन का मोड। उसको हम यूज करते हैं बेसिकली हमने किस मोड के अंदर हमने अपनी फाइल को ऑपरेट करना है। तो लाइक सबसे पहले हम यूज करते हैं आर, जिसके लिए हम अगर हमने अपनी फाइल को रीड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर। अगर हमने अपनी फाइल को राइट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं डब्ल्यू। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपनी प्रीवियस फाइल में, अपनी प्रीवियस टेक्स्ट फाइल में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए। तो चलिए इनकी एक जल्दी से एग्जाम्पल हम यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाऊंगा, इसके बाद मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना पॉइंटर, उसके अंदर मैं स्टोर करूंगा अपना पॉइंटर जो कि मुझे एफ ओपन फंक्शन रिटर्न करेगा। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था हमारा फाइल नेम, तो यहाँ पे मैं फाइल नेम डालूंगा लाइक माई फाइल डॉट टी एक्स टी। उसके बाद हमारा दूसरा मोड था जो कि स्ट्रिंग मोड, हमारे जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगा राइट। और उसके बाद मैं अपनी फाइल को क्लोज करूंगा। इसमें मैंने तीन लाइंस का यूज किया है। सबसे पहले मैंने अपने फाइल डेटा टाइप की एक पॉइंटर को क्रिएट किया है, उसके बाद मैंने फाइल क्रिएट की है, और लास्ट में हम फाइल को क्लोज करते हैं। फाइल को क्लोज करना एक नेसेसरी पार्ट है, बिकॉज अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करते तो जो भी रिसोर्सेज हमारी फाइल यूज करती है फाइल क्रिएशन के टाइम वो स्टॉप नहीं हो पाते, जिससे हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा अपनी फाइल को मैनेज करना। अगर हम फाइल को क्लोज करते हैं तो अगर हमारी फाइल ने कोई एक्स्ट्रा जो कि अनयूज्ड स्पेस है वो गेन की है तो उसको भी रिलीज करता है, और जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं अपनी फाइल क्रिएशन के टाइम फाइल क्लोज के टाइम वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए हम फाइल क्लोज का मेथड यूज करते हैं। अभी मैं इसके ओ सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसे रन करूंगा। रन करने के बाद मैं अपने डायरेक्टरी में देखूंगा कि क्या मुझे अपना मेथड जो अपना मेरी जो टेक्स्ट फाइल है वो बनी है या फिर नहीं। तो ये मेरी फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, तो ये फाइल बन के रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें टेक्स्ट को राइट करते हैं, कैसे हम अपनी फाइल को राइट करेंगे, कैसे हम उसमें टेक्स्ट अपेंड करेंगे, और कैसे हम उसमें अपने और कैसे हम उसको रीड करते हैं। तो इन तीनों ही मेथड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना CodeInform को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं CodeInform। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।